हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल कल्पना फूड चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये आटे का और अंडे का मिला के डोसा बनाना, इसे मैं चीला भी बोलती हूँ, आप इसे डोसा या चीला बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा पौष्टिक है, आप इसे ज़रूर ही घर पर ट्राई करें बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डोसा बनाना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये चीला बनाना। करते हैं ये आटे और अंडे का डोसा बनाना। तो ये मैं ली हूँ, ये गेहूँ का आटा है, ये मैं ली हूँ 300 ग्राम होगा मेरा, मतलब एक छोटा सा कटोरी से एक कटोरी में आटा ली हूँ मैं। ये दो अंडे ली हूँ, देखिए दो अंडे ली हूँ मैं। उसके बाद मैं ये मसाला ली हूँ। मसाले में मैंने लिया है ये नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार, आधा टीस्पून मैंने ये कैरम सीड्स लिया है, अजवाइन, ये अदरक है छोटा सा पिंच में, इसको कद्दूकस कर ली हूँ, घिस ली हूँ, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा कुटा हुआ गोल मरीच, और दो स्पून मैं ली हूँ ये बेसन, और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये गेहूँ का आटा है, अब मैं इसमें सबसे पहले ये बेसन को मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद ये मैं सभी चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं सभी चीज़ों को डाल दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल डाली हूँ, 2 टीस्पून ऑयल होगा। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये डोसा बहुत ही पौष्टिक है क्योंकि ये गेहूं का है, मैदे का नहीं है। सब मैं इसमें पानी डालती हूँ। अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें अंडा डालूँगी। ये देखिए ये रहा, अब मैं इसे भी अच्छे से फेंट लेती हूँ। बस फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसे तवा पे फ्राई करूंगी। 5 मिनट मैं इसे ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी और तवा में चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसका चीला या डोसा बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बस फ्रेंड, देखिए तवा गर्म हो गया है, अब मैं इस पर ये चीला डालूँगी। इस तरीके से करके मुझे इसे हल्का सा फैलाना है, बस इस तरीके से। और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, देखिए देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये देखिए। ये आराम से निकल जा रहा है,
देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से इसे पलट लेना है। पीछे भी आपको अगर ऑयल डालना है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, घर का जो शुद्ध घी होता है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। देखिए फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स मैं इसे निकाल लूंगी अब। देखिए लग रही है ना एकदम डोसा जैसा, और ये डोसा ही है फ्रेंड्स, चीला भी बोल सकते हैं आप इसे। बस इसी तरीके से मैं दूसरा भी डाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए बस थोड़ा सा फैलाना है इसे, और गैस एकदम कम कर देना है जो कि ये अच्छे से धीरे धीरे पकता रहे। ऑयल डाल दी हूँ इसमें मैं, अब इसे मैं पलट लूँगी। देखिए पलट ली हूँ मैं इसे। इस टाइप का अगर आप डोसा बनाओगे तो बच्चे भी बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी डोसा हो गया है। इसी तरीके से मैं और सारे डोसा बना के मैं रखूंगी यहाँ पे। मैं डोसा बना के रख ली हूँ चीला, अब मैं इसे प्लेटिंग करूँगी इसकी। ये देखिए ये प्लेटिंग मेरी हो चुकी है, और ये आप टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या चिली सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चीला डोसा रेडी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बनाइए, और यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी लगेगी, और आपके बच्चे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।